हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल, मैं आपका स्वागत करता हूँ हम सभी के अपने यूट्यूब चैनल अरहंत रियल एस्टेट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छा 2 BHK फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ से आपको कंप्लीट सी व्यू और अपना जो सीलिंग है MKHL अटल सेतु कंप्लीट दिखाई देगा। अगर हम स्टेशन की बात करेंगे, लगभग आपको 2 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है जहाँ पर हम आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं। खारकोपर स्टेशन से 2 मिनट चल के आपको ये जो प्रोजेक्ट है आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में 2 BHK दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ और हमारे फ्लैट के अंदर हमें क्या एरिया मिल रहा है, मतलब आपका हॉल का साइज़ क्या रहेगा, आपका बेडरूम का साइज़ क्या रहेगा, किचन का साइज़ क्या रहेगा। आप अगर पूरा वीडियो बिना स्किप करते हुए देखोगे तो आपको कंप्लीट ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह सब कुछ मिलेगा, टाइटल क्लियर है, OC रिसीव्ड प्रोजेक्ट है, आप रहने आ सकते हो। और प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी प्राइम लोकेशन पे 30 मीटर का सर्कल है और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। G+13 का टावर है। अभी आपको यहाँ पे 7 से 8 यूनिट बचा है 2 BHK और 1 BHK। यहाँ पे आपको 1 BHK और 2 BHK का कॉन्फिगरेशन रहेगा, लेकिन आज के इस फिल्म में मैं आपको दिखाने वाला 2 BHK। सेम बिल्डिंग के अंदर मैं आपको अलग से एक 1 BHK का भी वीडियो जरूर जल्द ही लेके आने वाला हूँ, वो भी जरूर देख लेना। तो चलिए बिना देरी का अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरा प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर हमको 2 लिफ्ट देखने के लिए मिलेंगे। G+13 का टावर है। नीचे साइड में आपको 1 BHK देखने के लिए मिलेगा। अगर हम स्टेयरकेस की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी अलग से इन्होंने बना के रखी है। ये स्टेयरकेस का एरिया रहेगा, यहाँ पे 2 स्टेयरकेस रहेंगे और फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 फ्लैट रहने वाले 2 BHK अलग अलग एरिया के हैं। और हमें जो पैसेज एरिया मिलता है वो भी काफ़ी बड़ा पैसेज एरिया बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। आपको अगर आपका शू रैक वगैरह बनाना रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो हम आपको सभी फ्लैट दिखाने वाले हैं। ये जो 2 BHK फ्लैट है और यहाँ पे भी 2 BHK फ्लैट है और बैक फेसिंग में आपको 1 BHK मिलेगा, लेकिन वो भी रोड फेसिंग रहेगा क्योंकि कॉर्नर का बिल्डिंग है। तो 1 BHK का मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जरूर वो भी देख लेना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये वाला फ्लैट देख लेंगे और ये वाला भी आपको मैं थोड़ा सा एक दिखा लूँगा। सबसे ये वाला फ्लैट ऑलमोस्ट दोनों का भी सेम साइज़ है। यहाँ पे आपको L टाइप का हॉल मिलेगा और वास्तु के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट फ्लैट है क्योंकि हमारे जो विंडोज़ है पूरे वेस्ट में है, तो हवा काफ़ी अच्छी फ्लो हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपना दरवाज़ा बंद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी फ्लो होती है, तो हमें डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे जैसे हमने एंट्री किया, ईस्ट वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस रहेगा, सामने आपका यहाँ पे लिविंग स्पेस रहेगा, काफ़ी अच्छा हॉल मिलता है। और ये जो प्राइस रेंज की बात करेंगे तो 1.10-1.5 करोड़ के करीब आपको इंक्लूसिव हॉल में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। यहाँ पे आपको 2 फीट का सज्जा मिलता है और सामने आपका कंप्लीट ओपन व्यू रहेगा। सामने खारकोपर स्टेशन है, काफ़ी नज़दीक है। खारकोपर स्टेशन की बात करेंगे तो यहाँ से मैं अगर आपको दिखा दूँ स्टेशन का व्यू और सामने आपका सीलिंग, आप देख रहे हैं सामने सीलिंग है और सामने आपका खारकोपर रेलवे स्टेशन है, काफ़ी नज़दीक है अपना। ये 30 मीटर का रोड रहेगा और प्रोजेक्ट जो है वो रेडी टू मूव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए समझ लेते हैं फ्लैट को और प्राइस को। तो मैंने आपको बता दिया 110-105 के आसपास, 105 के आसपास ये जो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। तो ये रहेगा हमारा हॉल। यहाँ पे अगर आपकी हॉल की साइज़ की बात करेंगे तो काफ़ी लंबा और चौड़ा हॉल मिलता है। ये करीब करीब आपको 9 फीट के करीब करीब ये चौड़ाई मिलती है। अगर हम डाइनिंग को छोड़ के बात करेंगे तो यहाँ पे 2.5 फीट का टाइल्स है, 1, 2, 3, 4 और ये होगा 10 फीट और ये लगभग 12 फीट के करीब करीब आपको ये साइज़ मिल जाती है। और इस साइड से लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 फीट के टाइल्स है। तो यहाँ से अगर कंसिडर करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये लगभग 14 फीट के करीब करीब आपको यहाँ पे ये साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्पेशियस हॉल आपको यहाँ पे मिल जाता है। टीवी के लिए आपको यहाँ पे अलग से स्विचेस दिए हैं और यहाँ पे आपका डाइनिंग आ जाएगा। आपका सोफ़ा सेट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेट हो सकता है। फ्लैट का जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे ही हम अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको आपका रहेगा किचन सिंगल प्लेटफॉर्म के साथ। और किचन के अंदर आपको वॉल टू वॉल टाइल्स यहाँ पे इन्होंने दी है और प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी बड़ा है, लंबा सा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिंक भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे अटैच आपको 2 फीट का सज्जा मिल जाता है। यहाँ पे आपको मॉस्किटो नेट भी ऑलरेडी लगा के मिल जाएगा और सामने
अपना रेलवे स्टेशन है और किचन एकदम स्पेशियस आपको यहाँ पे मिल जाता है। किचन के अंदर अगर हम साइज की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये लगभग 10 फीट के करीब करीब है, और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 ये लगभग आपको 8 फीट के करीब करीब आपको ये साइज मिल जाती है। किचन साइज में काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो प्रॉपर्टी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी क्लोज है स्टेशन से, वॉकेबल डिस्टेंस है, सीलिंग भी काफ़ी अच्छा यहाँ से दिखता है। और ये रहेगा हमारा जो पैसेज एरिया, दो बेडरूम के बीच में जो डिस्टेंस आ जाता है उसका एरिया भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे रहेगा हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पे अभी फिटिंग्स करना अभी बाकी है क्योंकि अभी रिसेंटली इसका OC आया है। इस साइड में अगर सीधा चलते हैं तो लेफ्ट साइड में रहेगा हमारा कॉमन बेडरूम, राइट साइड में मास्टर बेडरूम। तो इंटर करते हैं हमारे कॉमन बेडरूम के अंदर। अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे तो यह 10x9 का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी वाइड विंडो भी देखने के लिए मिलेगी, और अटैच 2 फीट का सज्जा भी है। पूरा फ्लैट जो है वो कंप्लीट आपका रोड फेसिंग रहेगा, यहाँ से आपको सी व्यू और अपना सीलिंग का MTHL का व्यू काफ़ी अच्छा क्लियरली दिख जाता है। फ्लैट का कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है, दरवाजों का आप देख सकते हो साइज जो है कंप्लीट 2 इंच का आपको यहाँ पे साइज मिलता है। जो फ्रेम है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। और ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम, यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा मिलता है, लगभग 10x12 के करीब आपको मास्टर बेडरूम का साइज आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 फीट का सज्जा और एक लंबा साइज सा थोड़ा सा नैरो आपको यहाँ से व्यू मिल जाएगा। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा हवा फ्लो हो जाएगा आपके बेडरूम के अंदर, तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वेस्ट विंडोज़ है, पूरे जो विंडोज़ है पूरे वेस्ट विंडोज आती है आ जाती है, तो आपको कभी मतलब आपके घर के अंदर वेंटिलेशन हमेशा रहेगा, कभी ऐसा डार्क फील नहीं होगा। यहाँ पे रहेगा अटैच अपना बाथरूम जो कि बेडरूम के अंदर आपको अटैच मिलता है, मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों ये फ्लैट आपको अगर अच्छा लगता है, आपको विजिट करना रहेगा तो दिए गए नंबर पे कॉल करके एक बार अपना विजिट जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिए दोस्तों।